अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं अफजल खान, आप सभी भाइयों का स्वास पेट होम में स्वागत है। क्योंकि ये स्वास भाई का चैनल है जो लातूर से आज हमारे लॉफ्ट पे आए हुए हैं। आप लोगों को कबूतरों का शौक कराने हमारे पास क्या है, कैसा हम शौक करते हैं, वो आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे। और साथ ही साथ हमारे मौजूद है खान साहब, जो कि हमारे एक ग्रुप के बड़े सदस्य है, और ये अमान भाई, और ये अपने नज़ीर भाई जो बांद्रा में, और इनका फार्म भी है मुमरा में दहसर मुरी पे, ये भी आए हुए हैं। और हमारे एक साथ में हमारे एक और ग्रुप मेंबर थे जो के जा चुके हैं। तो स्वास भाई आए हुए भाई, उनका वेलकम है मुमरा में। काफ़ी दूर से आए, और इससे पहले भी ये आए थे शौक कराने के लिए, लेकिन कुछ मसला आने की वजह से इनको अर्जेंटली लातूर जाना पड़ा था। लेकिन आज ये यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम है। आप लोगों को आज इस वीडियो में हमारे लॉफ्ट के कुछ कबूतरों का शौक कराएंगे, जो कि कराना तो बहुत अच्छे से था, लेकिन अब ये है कि कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करके ही आप लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि यूट्यूब में अब ऐसा सिस्टम हो गया है कि अब हाथ में लेके कबूतरों का, परिंदों का हम शौक नहीं करा सकते, तो उस हिसाब से आपको छोड़ के। लेकिन माशाल्लाह आप शौक करेंगे तो आप शौक करके बिल्कुल कमेंट करेंगे आपको परिंदे कैसे लगे, और करना भी चाहिए कमेंट, क्योंकि कबूतर ही ऐसे आपको शौक कराएंगे। तो स्वास भाई, आप बोले आपके चैनल है भाई, आप चैनल पे अपना इंटरेस्ट नहीं नहीं मैं तो हमेशा बात करता हूँ मेरे चैनल पे, लेकिन पब्लिक को कैसा है, अब अफजल भाई बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, तो उनको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आपकी आवाज़ भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से मैं आपको बोला था कि आप वीडियो पहले स्टार्ट करो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाज़िर भाई भी है, और नाज़िर भाई आप कुछ कहना चाहोगे अफजल भाई के बारे, कबूतरों के बारे में? कबूतर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मैं अभी से नहीं देख रहा हूँ, 2 साल से देख रहा हूँ ये कबूतर, और कलेक्शन अभी और अपडेट हुआ है मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छा अपडेशन हुआ है। जो कबूतर लाए हैं काफ़ी अच्छे, उनको अच्छे तरीके से अभी जोड़े में डालेंगे, शायद अभी बरसात का मौसम जाएगा, उसके बाद फिर आपका शौक कराएंगे इंशाल्लाह। और आपका बहुत बहुत वेलकम भाई यहाँ पर मुंबई में, आपसे पहली बार मुलाकात हुई हमारी, तो इंशाल्लाह हमारे लॉफ्ट का भी शौक आपको ज़रूर कराएंगे, फार्म पर कबूतर इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे भाई नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे आप। सबको अस्सलाम वालेकुम, हमारे लॉफ्ट पर देखिए ऐसे नए आप कबूतर मिलेंगे जो भी इन्होंने बनाया है। क्या नाम आपका? सुहास सिंह। हाँ सुहास भाई, जो लातूर से आए हुए हैं, हम लोग की खुशनसीबी कम से कम हमारे लॉफ्ट पे आए और उन्होंने वीडियो बनाया, उनको कबूतर बहुत पसंद आए। ये हमारे नया कबूतर सब बैठे हुए हैं जो आप लोग देख सकते हैं, और देख के बताइए कैसे कबूतर पसंद आए कि नहीं आए आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं स्वास साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई लातूर से मुंबई तक आए और हम लोगों को कीमती समय दिए, और अफजल भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अफजल भाई ने नायाब कबूतर को शौक कराया। क्योंकि सर, कबूतर बाजी में मज़ा तभी आता है जब आप एक साथ ग्रुप मिलके करें, जैसे अफजल भाई, चाचा मैं हूँ, जाकिर भाई है, और कभी कभार नज़ीर सर भी टाइम दे देते हैं, और नज़ीर साहब भी बहुत अच्छे कबूतर बाज हैं। क्योंकि मैं बता दूं, नज़ीर साहब के जो वालिद साहब हैं, इनके जो उस्ताद हैं असलम चाचा, जिससे इन्होंने कबूतरबाजी सीखा है बचपन से लेके अब तक, और साथ में राज साहब का भी बहुत मतलब योगदान मिला, हम सब बच्चों को भी मिला, नज़ीर भाई को भी सीखने का मौका मिला। तो नज़ीर भाई के बारे में मैं चंद लाइन बोलना चाहूँगा, सोचा था कि भाई अभी मौका मिले तो मैं बोलूँ, तो इजाज़त है नज़ीर भाई आपकी? हाँ भाई। तो भाई मैं नज़ीर साहब के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगा कि दिलों को खोल, दिमाग से क्या सोचता है, दिलों को खोल, दिमाग से क्या सोचता है, बोलने दो दुनिया वाले जो बोलते हैं, तू बता तू क्या चाहता है, इशारा कर दे परिंदों को बुलंदी तक पहुंचने की, तू ब्लड लाइन है असलम चाचा की मेरे दोस्त, तुझ पे एतबार अफजल खान करता है, तुझ पे एतबार अफजल खान करता है। शुक्रिया दोस्तों। फाइनली जितने भी हमारे भाई इस वक्त लॉफ्ट पे मौजूद है, सभी ने अपनी अपनी बात आप लोगों से शेयर की परिंदों के बारे में। अब ये तो रही सबकी बात, अब फाइनली आप लोगों को परिंदों का शौक कराएंगे। आप शौक करिएगा, शौक करके बताइएगा आपको परिंदे कैसे लगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इस तरीके की वीडियो जो अब बनी है वो मेरे हिसाब से पहली बार किसी यूट्यूबर ने हमारे इधर आके इस तरीके की वीडियो बनाई है हमारे परिंदों की। तो आप शौक करें, वीडियो को लास्ट तक के देखें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन बटन को भी दबाएँ कि आपको कोई भी वीडियो स्वास भाई की जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो वो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो सुहास भाई ये है फर्स्ट पैर, आप देख लें, ये पट्टा है मेरे घर का, ये कमकगरों में से है। हाँ। इसका बाप तो अभी भी मेरे पास है, जिसको हम 11 नंबर का बोलते हैं, यानी 11 से ही वो कबूतर जाना जा रहा है अपने लॉफ पे। तो ये उसका पट्टा है, इसकी जो माँ थी वो मर चुकी है, वो भी घर की पट्टी थी। ये कमकगरों में से है और ये जीरी कमकगर फीमेल है। स्टैंडिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त दिखाते हैं, लेकिन अभी ये लॉफ में, लॉफ के बाहर आपने वीडियो शॉट किया है ना, वो भी आप देख सकते हैं। ये जो कबूतरों की स्टैंडिंग है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन अभी ये लॉफ के अंदर डाला हो तो इसकी वजह से इनकी स्टैंडिंग उतनी नज़र नहीं आ रही और डर भी रहे कबूतर। हाँ, रात का समय होने, टाइम भी काफ़ी हो गया। ये फर्स्ट पैर है, शौक भी आपको कराता जैसा कि शौक पहले कराया जाता, लेकिन अभी जो YouTube की नई गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम ये चीज़ नहीं दिखा सकते, नहीं तो आपके भी चैनल को प्रॉब्लम हो सकती है। सही है, सही अब है। जो भी ये कबूतर आपको छोड़ के ही दिखाया जाएगा, आप देख सकते हैं कबूतर माशाल्लाह, ये घर के पट्टा है, मादी तो मैंने बड़ी लेके आया था। हाँ हाँ, बहुत ज़बरदस्त। और एकदम अंधेरा भी हो चुका है, 7:30 बज रहे लगभग। तो ये फर्स्ट पैर था, अभी आपको सेकंड पैर का शौक कराते। सेकंड पैर देखिए, ये हमारे लॉफ्ट की, ओहो बहुत ज़बरदस्त। अभी तक ऐसा प्रॉपर शॉक कभी नहीं कराया हूँ मैं लॉफ में डाल के, हम लोग ने हाथ में ही शॉक करा है, लेकिन अभी छोड़ के ही शॉक करा रहे। ये कबूतरी है अंजल भाई, ये नर कौन सा कबूतर है? ये भी भाई टेडियो में से ही है नर। हाँ, टेडियो। और ये जो अपने परभनी के अजहर भाई है ना, हाँ। ये उन्होंने कहा कि ये उनके पास का कबूतर है। अच्छा। और मादी को क्या कहेंगे? ये जॉन सिरे में उन्होंने बताया ये निकला है कबूतर। अच्छा। और मादी तो टेडियो में से, ओमान वाली है ना वो। तो पहले ये पूछना चाहूंगा कि ओमान से कबूतर आए थे या अंडे आए थे? अंडे आए थे भाई, ये तो ग्रुपों में भी चल रहा है भाई, कुछ लोगों को बहुत एतराज हो रहा है, बहुत खलबली मची हुई है कि ये कबूतर आए ओमान वाले क्यों बता रहे। भाई अंडे ओमान से आए तो ओमान वाला ही कबूतर बताएंगे, और बोलने में कोई हर्ज है? नहीं, बिल्कुल सही है। अब वो उनको तकलीफ हो रही है जिसकी दुकान बंद हो रही है। जी जी। हाँ, जिनकी दुकान बंद हो रही है, जो ऐसे बंदों से कबूतर ला के बेच रहे, जो खुद चोरी करके कबूतर ला के अपना शौक कर रहे और लोगों को वो चीज़ सेल कर रहे। हम तो क्लियर बता रहे भाई, ओमान से सामने वाले दोस्त ने अंडे ला के दिया, उसके बच्चे, तो इसमें हर्ज क्या है? अगर उसमें कुछ कमी है तो बताओ भाई। नहीं, अगर आप इतने बड़े खिलाड़ी उस्ताद हो, कबूतर सेल कर रहे हो, लोगों को शौक करा रहे हो, तो आप पूरी डिटेल बता दो ना भाई, उसमें क्या कमी है, अगर मैंने ओमान वाली लाइन ले लिया तो। कबूतर बहुत अच्छे है लेकिन अफजल भाई, सही। और नाम भी इसके लिए लेता हूँ भाई, क्योंकि सामने वाले का भी वो हो जाए कि भाई उनके ज़रिए यहाँ पे ये चीज़ आई है। बाकी अपने को शौक नहीं पड़ा है भाई कुछ भी वैसा बोलने का, आप उनसे शौक करते हैं परिंदों का, इसके लिए आपको दिखा रहे। अभी देख लीजिए, आप शौक कराइए और कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगे। थोड़ा नर भी थोड़ा ढीला हो गया, बाकी एक नंबर कबूतर है माशाल्लाह मेरी नज़र में। बाकी आप लोगों की नज़र में क्या दिख रहे हैं कबूतर, वो आप लोग बताएं बेहतर। नहीं, ज़बरदस्त कबूतर है। अभी आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। सुहास भाई, आपको भी काफ़ी कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि ट्रेन का टाइम भी आपके 9 बजे का है। ये देख सकते हैं सुहास भाई, ये भी घर की पट्टी है, बाप तो अभी इसका रिसेंटली मैंने सेल किया, इसकी माँ मेरे पास अभी भी है, और पीछे जो नर जो है ना वो भी ओमान वालों में से, उसको आप चीना भी बोल सकते हैं, सेबे वाले में से भी बोल सकते हैं। हल्की टेढ़ में कबूतर है, लेकिन आप चीज़ सिर्फ दिखाइए व्यूवर्स को, उनको कैसे लग रहे कबूतर। और मेरे कबूतर पिंजरे से ज़्यादा बाहर जो है ना वहाँ पे आपको स्टैंडिंग दिखाएंगे, क्योंकि इसमें कबूतर कैसा डर रहे, क्योंकि ऊपर से उनको लॉफ नज़र आ रहा है ना, इसके लिए वो थोड़ा वो हो रहे, सिचक रहे। तीसरा पैर का आपने शौक किया? नहीं, ये दूसरा है ना? तीसरा है, तीसरा तीसरा है। अभी चौथा दिखा, छोटी बहुत अच्छी है।
ये सुहास भाई जो फीमेल है ना, ये वल्वी भाई के पास की कबूतरी है, जो हमारे पास अंडे वल्वी भाई की एक जोड़े ने दिए थे, उसमें से ये फीमेल निकली थी, एक और फीमेल है। इनकी आँखों का जूमिंग करें, मैं आप हाथ में दिखा सकता था लेकिन अभी मजबूरी है कि नहीं दिखाने मिल रहा है, वो मौका नहीं मिल रहा। ये करीब 2 साल हो गए होंगे, अभी तक धूप देखे नहीं, फिर भी आँखों की रिंग देखिए, क्वालिटी जबरदस्त जबरदस्त। और नर की भी आँख बहुत रेड आइज है, ये अपने जाकिर भाई जो अभी साथ में थे वीडियो में, हाँ हाँ हाँ, ये उनके पास का कबूतर है, ये दिलाने वाला मैं ही हूँ। इसकी भी एकदम रेड आइज है नर की। तो ये रेड आइज का पैर में बॉर्डर वाला है या कमर गोरे से बनने वाला है? ये तो वल्वी भाई के पास का कबूतर है, और ये बॉम्बे से मैंने जोड़ा, हम लोग कम से कम 6-7 कबूतर लाए थे एक बंदे के पास से। हाँ हाँ, और ये वल्वी भाई के पास एक कमकगर कबूतर है। हाँ हाँ, ये उसकी नस्ल है। जबरदस्त जबरदस्त। अभी इसकी बहन भी दिखाता हूँ आपको जोड़े के साथ। ये पैर भी देखिए माशाल्लाह, ये जो फीमेल है ना, फर्स्ट या सेकंड पैर में जो आपको फीमेल दिखाया था पट्टी, ये उसकी माँ है। आप शौक कराएं भाई, काफ़ी दूर से भी आए, मैं तो चाहता था अच्छे तरीके से परों का हर चीज़ का शौक कराया जाए। देखिए दोस्तों, ये मुंबई में से मुंब्रा के अफजल भाई के सभी के सभी कबूतर है, और दोस्तों ये वन क्वालिटी के ये सब कबूतर है जो इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इनका कलेक्शन किया है। देखिए दोस्तों, और स्पेशली इन्होंने बताया है कि इन्होंने ओमान से जो अंडे आए थे उसमें से बच्चे निकले वाले हैं। नर भी उन्हीं में का ओमान वालों में। जबरदस्त जबरदस्त। मादी जो भी मैंने बताया इससे पहले 6-7 कबूतर मुंबई से खरीदे थे एकदम से, ये मादी भी उन्हीं में की। हाँ हाँ हाँ, तो सही में कबूतर बहुत ही खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी के दिखाई दे रहे हैं, कुछ रेड आइज के कबूतर, कुछ सफ़ेद आइज के कबूतर, और इनकी स्टैंडिंग तो दोस्तों एक नंबर की स्टैंडिंग है, घोड़े जैसी स्टैंडिंग है इनकी, और कलर भी दोस्तों काफ़ी अच्छा और खूबसूरत है। स्टैंडिंग तो आपको ऊपर में दिखाऊंगा, ऊपर खुले में स्टैंडिंग दिखाऊंगा इंशाल्लाह, आप शौक करिएगा। ये अभी इसमें थोड़ा वो हो रहा है क्योंकि अपने कबूतर खुले रहते हैं इसके लिए। सही है, अभी नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। देखो सुहास भाई, मादी देखो सियालकोटी, बॉडी स्ट्रक्चर और सारंगपुरी का जलवा भी देखो, इंडिया का राजा, स्टैंडिंग का बादशाह। तो ये जोड़ा आपने स्पेशली उड़ान के वास्ते लगाया है क्या? ऐसी शौकियाना तौर पे लग गए, ऐसा है क्या? हाँ, मजबूती आएगी ना। हाँ ना, हाँ ना, सही है सही है। उसमें सियान है तो उसमें तेजी है। सही है सही है, बहुत ही खूबसूरत जोड़ा दिखाई दे रहा है, सियालकोटी मादी और सारंगपुरी नर, बहुत जबरदस्त है। ये देखें दोस्तों, ये और मैंने ऐसा सुना है कि आपने सारंगपुरी का टच जिस कबूतर को लगता है वो कबूतर की परवाज बहुत अच्छी होती है, परवाज भी हो जाती है, प्लस उसके अंदर जो रफ्तार होती है, तेजी होती है, वो भी बढ़ जाती है। हाँ, अभी आप मैं सुहास भाई ऊपर दिखा दीजिए, पूरे लॉक पे जो बैठे कबूतर है, स्टैंडिंग वगैरह सब चीज देखो। ये देख लो भाई, ये अपने अफजल भाई के कबूतर है, मुंबई के बहुत ही जाने माने यूट्यूबर और बहुत ही अच्छे कबूतर शौकीन, जिनका मुंब्रा में लॉफ्ट है नाइक सिटी के बगल में, बहुत ही बेहतरीन कबूतरों का कलेक्शन इन्होंने किया है, और सेटअप भी काफ़ी खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी का है। देखिए दोस्तों, कबूतर को अच्छी तरीके से स्टैंडिंग करने के लिए इन्होंने जो वो सेटअप किया है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा है। ये लॉक मैंने इसको बनाया था। हाँ हाँ, पाकिस्तान के भी कुछ भाइयों का मुझे कमेंट आया था, मतलब व्हाट्सएप पे, क्योंकि ग्रुप में हम लोग जुड़े होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ किया था कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त आपने लॉक बनाया और बहुत ही खूबसूरत बनाया।
अभी तो काफ़ी पुराना हो गया, 2 साल से ऊपर हो गया लॉक बना। हाँ हाँ, हमारे परिंदे पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और स्वाद भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं कि जितनी भी वीडियो उनके चैनल पे अपलोड हो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आपका शॉप बहुत ही अच्छा हो।